Hey guys, welcome back to my YouTube channel Talk Thru. आज का ये जो वीडियो है लैक्टोकैलामाइन सनस्क्रीन के बारे में है, जो कि है SPF 50 के साथ. इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट एंड काओलिन क्ले भी है. लेमन एक्सट्रैक्ट, एज यू नो, लेमन स्किन लाइटनिंग का काम करता है, बट ये जो काओलिन क्ले है, ये इस लाइक आप मुल्तानी मिट्टी मान लीजिए, बट ये वाइट कलर की होती है और ये नेचुरली भी आपको एज अ पाउडर फॉर्म जैसे मुल्तानी मिट्टी मिलती है, काओलिन क्ले भी मिल जाएगी. स्किन वाइटनिंग के लिए बेसिकली ये काओलिन क्ले काम करती है. तो इसके अंदर स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग के एक्सट्रैक्ट भी डाले गए हैं, ताकि सनस्क्रीन के साथ साथ आपकी स्किन थोड़ी सी लिटिल अप ग्लो भी करे. PA ट्रिपल प्लस UVA एंड UVB रेज से ये आपको SPF बचाता है. SPF सन प्रोटेक्शन फ्रॉम 50 मिनट्स SPF 50 के साथ ही आता है. इस सनस्क्रीन की सबसे बेटर चीज़ मुझे ये लगी कि ये पैराबेन फ्री है और वाटर रेजिस्टेंस भी है कुछ हद तक. लाइक वाटर रेजिस्टेंस है, नॉट वाटर प्रूफ. गाइस, इन दोनों में डिफरेंस होता है. वाटर प्रूफ मीन्स वाटर से क्लीन नहीं होगा, बट ये वाटर रेजिस्टेंस है. अगर आपके फेस पे छींटे लगते हैं या थोड़ा बहुत वाटर लगता है, तो ये वाटर में ईजिली हटेगा नहीं, बट यस, इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ. मैंने इसे मंगवा तो लिया, बट बाद में जाके मैंने ये देखा ये ऑयली स्किन के लिए है, बट ऐसा नहीं है. मेरी स्किन जो है ड्राई से कॉम्बिनेशन के बीच में है, मुझे भी ये परफेक्टली सूट किया. मैं इसे काफ़ी सारा एज यू कैन सी यूज़ भी कर चुकी हूँ. उसके बाद आई एम गिविंग यू रिव्यू इस प्रोडक्ट का. ये जो है बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन है गाइस. 199 rupees में 50 gram की ये पैकेजिंग मुझे मिल गई. आप और किसी ब्रांड पर जाएंगे तो ऑफकोर्स 350 to 400 मिनिमम जाएगा 50 gram सनस्क्रीन का प्राइस. ईजी टू यूज सनस्क्रीन है. इसको यूज़ करने के बाद स्किन आपकी ग्लो ही करेगी. मैं इसे आपको भी हैंड पे अप्लाई करके बताती हूँ. यू कैन सी माई हैंड, मैंने अभी हाथ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ. आई डोंट नो वाई इन्होंने इस पे फॉर ऑयली स्किन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है एंड ये काफ़ी सनस्क्रीन अपने आप में भी बहुत ज़्यादा ऑयली है. एज यू कैन सी, ये मैंने सनस्क्रीन निकाला है और सनस्क्रीन के साथ आप ये जो वाटर काइंड ऑफ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वाटर नहीं है, ये कुछ ऑयली टाइप थिंग है जो कि मेरे फेस को भी थोड़ा सा ग्रीसी कर देती है. बट ओवरऑल ये सनस्क्रीन बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. एज यू कैन सी, अगर आपकी स्किन ड्राई और कॉम्बिनेशन भी है ना, तब भी आप इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं. धूप सनस्क्रीन का सिंपल रूल होता है, सन में मतलब डायरेक्ट सनलाइट में निकलने से 15 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है, तभी वो आपके स्किन में प्रॉपरली जाएगा और वो वर्क करना स्टार्ट करेगा और टैनिंग होने से रोक पाएगा. सो या, इजीली ब्लेंड हो गया. आप मेरे यहाँ और यहाँ हैंड में भी डिफरेंस देख सकते हो, बट खैर आप मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस देखिए. ये वाला जो है मेरा लिटिल ब्राइट लग रहा है टोन, मेरा जो है आप ये फिंगर्स और इसमें भी डिफरेंस देख लीजिए. ये मेरा थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, थोड़ा सा ग्रीसी लग रहा है एज यू कैन सी, बट 5 मिनट्स बाद ये जो है बिल्कुल मैट हो जाएगा. और मैट होने के बाद आप इसे चाहें तो पाउडर से सेट कर सकते हैं. मैं यूजुअली सनस्क्रीन के ऊपर वाइट टोन फेस पाउडर लगा लेती हूँ डेली यूज़ में. आप भी कुछ इस तरह का कॉम्पैक्ट वगैरह लगा सकते हैं. SPF पाउडर हो आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. इसने मेरे हाथ को डेफिनेटली ग्लोई एंड ब्राइटर बना दिया है और ऐसे ही ये आपके फेस के साथ करते हैं. अगर आपके इस पर लिखा है फॉर ऑयली स्किन, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने लैक्टोकैलामाइन के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा कि इनकी फ्रेगनेंस किस तरह की होती है. बहुत ही डिफरेंट फ्रेगनेंस होती है लैक्टोकैलामाइन के प्रोडक्ट्स की. सेम वही फ्रेगनेंस इस सनस्क्रीन में से भी आ रही है. लाइक लैक्टोकैलामाइन की शायद मेरी मदर क्रीम लगाती थी, तो ये वही सेम फ्रेगनेंस है जो कि वो उस क्रीम में से आती थी, वही सेम फ्रेगनेंस इस सनस्क्रीन में से आ रही है. सो यहाँ एक अच्छा सनस्क्रीन है, बजट फ्रेंडली है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्किन को ग्लोई एंड लिटिल बिट ब्राइटर बना रहा है. इट इज़ अ परफेक्ट सनस्क्रीन फॉर विंटर्स एंड मॉनसून टाइम बिकॉज ये वाटर रेजिस्टेंस भी है. तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए. बाय बाय.